अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद फरहान और आज हमारे इस चैनल पर 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं 11K सब्सक्राइबर्स के लिए एक कस्टमाइज केक बनवा रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं अलग लोकेशन पर खड़ा हूँ, दरअसल मैं अभी अपने किचन में हूँ और हमारी केक जो है यहाँ पर बन रही है और ये केक जो है मंतशास पैशन चैनल की ओनर जो है वो बना रही हैं। अब यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि भाई फरहान तुम लोग सेलिब्रेशन भी करते हो भाई, जैसे हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, 11 के सेलिब्रेशन, ये कुछ हम लोग मनाते नहीं हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, इस टाइप की कोई जो है हमारे यहाँ नहीं है, बस सेलिब्रेशन नाम दे दिया गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे अगर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर कुछ भी करेंगे, सेलिब्रेशन लिखेंगे, मतलब एक तरीके से खुशी कि हमारे चैनल पर 11 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और ये केक सिर्फ हमारे चैनल के लिए नहीं बन रही है, मेरी सिस्टर जो है उन्होंने प्लान बनाया था कि हम आज केक बनाएंगे, तो मैंने बस उनको सजेस्ट किया कि अगर से आप केक बना ही रहे हो तो 11K पर बना दो, वहाँ पर जो है आप क्रीम से 11K और डॉट हेल्प लिख दो तो बेटर होगा। हमारा जो है 11K कंप्लीट हुआ है, हम अपने दोस्तों को भी दिखा देंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस टाइप की केक बनने वाली है। अभी तो यहाँ पर जो है केक रेडी हो रही है, उसका मतलब कि क्या कहते हो वो ब्रेड टाइप का जो होता है, हमको उतनी नॉलेज नहीं इसके बारे में, तो अभी वो जो है यहाँ पर लगी हुई है, कंप्लीट होती है फिर हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, बस ऐसे ही आपके सामने जो है थोड़ा सा ब्लॉग समझ लीजिए, ब्लॉग टाइप की वीडियो। तो अब हम देखते हैं कि केक किस तरीके की बनने वाली है आज। सो फाइनली गाइज, यहाँ पर हमारे केक का बेस रेडी हो चुका है। अब आप लोग इसको क्या बोलते हो, मतलब कि कुकिंग टर्म में इसको क्या बोला जाता है, केक का बेस या फिर क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी है यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करेंगे और हम आपको दिखाते हैं किस टाइप का यहाँ पर बेस बना हुआ है। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि बेस जो है हमारा रेडी हो चुका है और ये बेस जो है काफ़ी मज़ेदार सा बना हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट है और जैसे कि एक रियल में आप जो बाहर से खाते हो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बना हुआ है। अब बेस तो तैयार है, अब इसके बाद जो चीज़ें लगने वाली हैं वो हम लोग करेंगे। तो ये चॉकलेट जो है हमें यहाँ पर इसको सबसे पहले क्रश करना है। अब क्यों क्रश कर रहे हैं, दरअसल जो हम लोग डॉट हेल्प लिखेंगे केक के ऊपर तो इसी चॉकलेट को मेल्ट कराकर जो है इसी से हम लोग लिखने वाले हैं डॉट हेल्प। तो देखिए प्रॉपर मुझे करने तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कुछ हद तक हम कर सकते हैं, कुछ हो नहीं रहा है मुझसे। अगर से मैं आप लोग यहाँ पर चॉकलेट की साइज़ दिखाऊं तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी हैवी चॉकलेट है, बिल्कुल यहाँ पर थिकनेस इसकी हम बताएं तुम लोगों को तो काफ़ी ज़बरदस्त है और कंपनी पढ़ने में आ रही तो पढ़ सकते हो। तो कुछ इस टाइप की चॉकलेट है जो हम लोग क्रश कर रहे थे। तो गाइस हमने यहाँ पर चॉकलेट भी अच्छी तरीके से कट कर लिया है, मतलब थोड़ी सी हमने कट की है, बाकी सिस्टर का काम है क्योंकि मुझे भी दिखाना है आपको कि मैं भी कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो अब बारी आती है उसके ऊपर जो क्रीम डालते हैं, अब इसका भी कोई अलग से टर्म होगा इस कुकिंग फील्ड में हमको नहीं पता, लेकिन हम उसको क्रीम ही बोलेंगे। तो क्रीम बनाने की बारी आती है, अब हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस क्रीम बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है, कुछ इस टाइप से हमें 5 मिनट तक लगातार फेंटना पड़ेगा तब जाकर हमें कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलने वाला है। तो क्रीम तो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम लोग करेंगे चॉकलेट से नाम लिखेंगे, जो हमने शुरू में चॉकलेट को क्रश किया था अब उसको हमने मेल्ट कर लिया है, फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो वीडियो हम लोग टाइम लैप्स की तरह प्ले कर लेते हैं। अब जो हमने वहाँ पर क्रीम बनाई थी उसको बारी आती है केक पर लगाने की, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर केक पर क्रीम लगा लेंगे और नहीं हुआ तो हेल्प लेंगे किसी और की। फाइनली दोस्तों केक बनाने में हेल्प करने के लिए हमारे पापा भी आ चुके हैं और बाकी आगे का काम केक को सीधा करना वो काम पापा कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे से। गाइस यहाँ पर केक जो है धीरे धीरे शेप में आ रही है, हो सकता है अभी आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग इसको रेडी करते जाएंगे वैसे वैसे इसका लुक बढ़ता जाएगा। अभी जो है आप देख पा रहे हो कुछ इस टाइप से हम लोग साइड से कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग क्रीम लगाएंगे ऊपर से और इसको भी हम लोग थोड़ा सा टाइम लैप्स करेंगे। अब सेम उसी तरीके से हम लोगों को नीचे भी बनाना है तो टाइम लैप्स देखते हैं। अब बारी आती है दोस्तों, हम लोगों ने जो शुरू में चॉकलेट को क्रश करके मेल्ट करके डॉट हेल्प लिखा था उसको हम लोग केक के ऊपर लगाएंगे।
तो फाइनली दोस्तों हमारी केक यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी लग रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग आपको डिजिटल स्क्रीन पर खिला तो सकते नहीं है, आप लोग बस देखकर यहाँ पर मज़ा लीजिए। तो फाइनली गाइस हमारी डॉट हेल्प जो केक हम लोग बना रहे थे अब कंप्लीट हो चुकी है और डिज़ाइन अगर आपको अच्छी लगी, केक अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो गाइस ये हमारी आखिरी वीडियो है और आज हमारे चैनल के लिए 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर ये केक बनाने में मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि उनके चैनल पर जाएं, मंतशा पैशन को ओपन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, सब्सक्राइब करें उनके चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।